विषय टू लर्न फ्रॉम। शिक्षा का महत्व बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। और बड़े बड़े गुरुजनों से सीखने को मिला, उन्हीं के बीच बैठकर बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है, सबसे ज्यादा, तो वो शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है, ये बच्चों के लिए, आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट कर ले, यानी ज्ञान में, तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही कभी इसकी कोई चोरी कर सकता है। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टॉलन। इसलिए मैं समझती हूँ कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बनाने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है और इस अभियान में मैं अपना योगदान देती रहती हूँ। मैं अनाथ आश्रम में जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, बच्चों को कथक की तालीम देती हूँ, सिखाती हूँ, उनको फ्री में क्लासेस देती हूँ अनाथ आश्रम में जाकर, मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यानी मैं आपसे पूछूं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा किसी सल्तनत का वारिस या कोई राजा जिसके पास ज्यादा पावर है, डिफेंस, धन, किसी देश का राजा। अच्छा बेटा, मेरा ऐसा मानना है डिफेंस, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, नहीं ये बनाते भी हैं तो कुछ क्षण के लिए। आज है, नहीं होगी। अभी उसको जाएंगे तो लगाएंगे तो फिर शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं होता। नॉलेज कैन नेवर बी। ज्ञान से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, कौन से राजा ने कौन कौन से शस्त्र का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, कहां कहां विजय प्राप्त की, ये शायद आपको याद ना हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ये आपको जरूर याद होगा। राष्ट्रगान किसने लिखा? यस, क्लैप क्लैप। ये है मेरे टैलेंटेड बच्चे। एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपनी ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर सिर्फ अपनी भूमि में ही नहीं कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो आप प्रेरणा बनते हैं।
इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहे। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है, वो रत्न है, वो मेडल है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। और फिर किसी भी शस्त्र को आपको आवश्यकता नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। प्यारे दोस्तों, मेरा यह अनुभव है कि दो चीजें अगर इंसान जीवन में अगर सीख लेता है तो वो कभी नहीं भूलता है। एक है स्विमिंग, एक है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने कितने बच्चों को आता है? ये कभी भूलेंगे आप नहीं? यस, गुड। सालों बाद भी अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपको चिंता नहीं होगी कि याद है कि नहीं है। You will confidently do it. काश की पढ़ाई भी सभी इस नजरिए से करें कि एंड का रिजल्ट क्या होगा। परीक्षा देंगे, कुछ याद रहेगा या नहीं, नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको शिक्षा के दिन, आपको कुछ दिन के लिए गंभीर तो जरूर कर सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। बिकॉज आई सिंसियरली दैट व्हेन यू विल जस्ट नॉलेज ह्यूमंस विल ऑलवेज फॉलो। इस स्कूल संस्था के बारे में ये कहना चाहूंगी कि किसी गुरुकुल से कम नहीं है। राजशादू यादव जी, इस स्कूल संस्था के बारे में कहना चाहूंगी ये किसी